पद्मजा जी, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू एंड माय फेलो पैनलिस्ट. पद्मजा, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज क्लियरली द हिपोक्रेसी एंड द मोस्ट हिस्टोरिकल हिपोक्रेसी ऑफ द 21st सेंचुरी. प्रोमिसेज ऑफ ऑस्टेरिटी वॉज मेड. मुझे सीएम बना दो, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं वैगन आर पे चलूंगा, मैं 4 कमरे के फ्लैट में रहूंगा. 45 करोड़ रुपीज ऑफ इंडियन टैक्स पेयर मनी वॉज स्पेंट ऑन रेनोवेशन अलोन. घर के रेनोवेशन के लिए आपके पास पैसे हैं. दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं. पंजाब में दलित छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं. पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है. बट यू हैव 45 करोड़ रुपीज टू स्पेंड ऑन योर पैलेशियल हाउस. यू हैव टू डू दी एक्सप्लेनेशन. अन्ना हजारे के साथ खड़े होते थे और वादा करते थे, हम सादगी की राजनीति करने आए हैं. वी आर हेयर टू डू न्यू पॉलिटिक्स. व्हाट इज योर कंटूर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, मिस्टर अरविंद केजरीवाल? प्लीज एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ दिल्ली. प्लीज एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ इंडिया. नो नो, मेक अ लार्ज पॉइंट मिस्टर भट्टाचार्य. मेक अ लार्ज पॉइंट. पद्मजा व्हेन ही वाज स्पीकिंग, लेट मी ओके, जस्ट अ सेकंड गुड प्रकाश, जस्ट क्विक रिबटल फ्रॉम मिस्टर भट्टाचार्य, देन आई कम बैक. लेट यू स्पीक सर. Yes, Mr. Guru Prakash, please so much ahead. About the opposition parties and everything. Please, do make it clear, when did you get 700 crores just immediately after Notbandi was there? And immediately you had come up with 700 crores worth office in Delhi. Whose money was that? When did you get 700 crores? Be fair enough to say. And that also from a prime minister who used to say, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा. बताइए 700 करोड़ का ऑफिस गुरु प्रकाश, आंसर स्पेसिफिकली ऑन योर ऑफिस. पद्मजा, या पद्मजा, थैंक यू सो मच. आई वाज पेशेंटली लिसनिंग टू दैट मैन, ही इंटरफियर्ड, आई गिव हिम दैट स्पेस. सो प्लीज गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट माय पॉइंट. 45 करोड़ रुपीज, 45 करोड़ रुपीज, एंड एट द सेम टाइम व्हेन सफाई कर्मचारीज ऑफ दिल्ली आर डूइंग हड़ताल आउटसाइड योर रेसिडेंस, यू हैव नो मनी फॉर देम. यू हैव नो मनी फॉर दलित स्टूडेंट्स इन पंजाब हु स्ट्रगलिंग फॉर स्कॉलरशिप. यू हैव नो मनी फॉर सरकारी कर्मचारी इन पंजाब हु आर स्ट्रगलिंग. टू वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन टू माई फ्रेंड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी. ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स यू सेड कि ये 8,000 रुपए की कुर्सी खरीदी गई है जिसके दाम 200 रुपए हैं. 40 times यू स्पेंड ऑन अ चेयर. बट सेम आम आदमी पार्टी सुप्रीमो मिस्टर अरविंद केजरीवाल हाउस, यू आर बाइंग 20 lakh rupees पर कार्पेट विच इज कॉस्टिंग 2,000 rupees इन द मार्केट. 1,000 times. What is your explanation for it? You have to do the explanation. Second point, who was your consultant who was paid in tunes of 1 crore rupees? Why did you pay this consultant? Who was your consultant? I just want you to make this clear to the people of India. I sincerely request, ये कौन consultant है जिसको 1 crore rupees दिया गया था? वो कौन consultant है who ensured that the amount is not crossing 10 crore so that the file doesn't reaches the LG office? Who was it who precisely planned it कि 10 crore के आगे जाएंगे तो lieutenant governor के office में जाएगा तो 10 crore के अंदर रखना है? दो साधारण से सवाल मैं पूछना चाहता हूँ. I want to ask two brief questions from the spokesperson of Aam Aadmi Party. Who was the consultant and why was the expenditure restricted to less than 10 CR? Please explain. We are not even getting the basic answers about the carpets, curtains, commodes, water heating system. Now we talked about the pillars. We talked about the sliding doors. Each one of them is premium.